नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। डीके यादव न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट। लेकिन उससे पहले, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छा, मैं थोड़ा सा पुरुमीद हूँ आईएमएफ के हवाले से। अच्छा, मुझे लग रहा यह है कि जो निगोशिएशन होनी है हुकूमत पाकिस्तान या वजारत खजाना और आईएमएफ के दरमियान। एक और अहम खबर आपको दें, आईएमएफ वायदे में ताखीर, पाकिस्तान को शदीद माली बहरान का सामना। हुकूमत को दो रोज में चीन को $50 करोड़ की कर्ज की वापसी का मसला दरपेश है। चीन को कर्ज वापसी के बाद माली जखायर $4 अरब रह जाएंगे। $50 करोड़ की वापसी चीनी कमर्शियल बैंक को की जाएगी। 30 को इंसान के हमेशा दिल में होंका रहता है कि अब वो मांगने आ जाएगा। ठीक है, अब बात कुछ ऐसी है कि आईएमएफ वगैरह के तो पैसे देने ही हैं। ये जो बिजली पैदावार करने वाली फैक्ट्रियां हैं ना, इनको क्या कहते हैं, आईपीपीज, इनके भी पैसे देने अब अपन के पास हैं नहीं, तो हम इनको छेड़ रहे हैं, अब हमें छेड़ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि देखें, जिसके भी आप भी पाकिस्तान की बैंकिंग को ये इंटरेस्ट फ्री करने जा रहे थे, शरह सूद आज 1% फिर बढ़ा दी, 16 से 17% कर दी गई है। जी, ये भी एक वो उनका आर्गुमेंट तो होता है कि जी इन्फ्लेशन क्योंकि बढ़ गई है, ब्ला ब्ला ब्ला, आज स्टेट बैंक वाले देख रहे थे। मगर ठीक है, ये रोज मुआशी, मैंने कहा अंधेरा जो है उधर से भी कहीं से अच्छी रोशनी नहीं आ रही, कहीं से भी, ना सियासी ना मुआशी। चले, देने आप टाइम से दे दें, अगर आप नहीं देंगे तो जाहिर बात है उन्होंने भी हाथों में चूड़ियां तो नहीं पहनी हुई, वो भी फिर आपको छेड़ेंगे, तंग करेंगे। सही है, तो अब आपको उनकी पेमेंट करनी पड़ेगी। उनकी पेमेंट करेंगे तो गल्ला खाली है, अब पैसे हैं नहीं हमारे पास, ना इनको देने के लिए ना आईएमएफ को देने के लिए। तो मैंने तो कल चिंटू से कहकर एक अच्छा सा गधा खरीदवा लिया। मैंने कहा अगर मसला हो गया है ना, तो ये है कि इसको गाड़ी के आगे बांध के चला लेंगे। सही है, जहां तक बात रही बिजली की, तो अब उसके लिए क्या करें, उसके लिए मैंने ये सोचा कि सर्दियां तो हैं तो कैसे भी करके गुजारा कर लेंगे, लेकिन ये कि गर्मियों में क्या होगा, ये सोच सोच के परेशानी होती है। अच्छा, देयर इज नो एस्केप, पीपल थिंक देयर इज एन एस्केप। ज्यादातर लोग पहले, ये जो लोग मुझे पहले बुरा भला कहते थे ना, कहते थे अली नासिर ऐसी सख्त बातें करता है, ये मुहिब वतन नहीं है, ये गद्दार वतन है, अल्लाह माफ़ करे, तो आज वो सब मुझसे पूछ रहे होते हैं अली भाई वो ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन कैसे मिलेगी, वो कनाडा कैसे जाया जा सकता है, हम अगर पुर्तगाल या स्पेन भाग जाएं हैं डंकी में तो कैसा रहेगा। तो ये बेसिकली ये सारा कुछ जो है ये इस चीज़ की नुमाइंदगी करता है के नाकिस प्लानिंग आज की नहीं कितने सालों के। और दूसरी चीज, इस मुल्क के मसाइल का जिम्मेदार कौन है, क्या वो वजीर खजाना है, वजीर आजम है, माजी की हुकूमत है, कौन है? ये 25 करोड़ आवाम, ये वाले दिखाओ, सारे दिखाओ, ये जो सड़कों पे खड़े हुए हैं, ये जो बेवजह वक्त जाया कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ गप्पे मार रहे हैं, कल कौन है, ये सब जिम्मेदार है। क्योंकि मैंने बताया कि भाई बट्टा बैठ जाएगा, अपने मुल्क को ठीक कर लो, लेकिन उनका नहीं, हम तो नहीं करते। अब प्रॉब्लम बहुत सारी हैं, आईएमएफ ने अपनी विश लिस्ट दे दी है, बिल्कुल जैसे लड़के वाले शादी से 2 दिन पहले जहेज की लिस्ट दे देते हैं, ये लेकर आओ, अब उन्होंने दे दी जहेज की लिस्ट, अब उसमें इतने सारे आइटम लिखे हुए हैं, उन्होंने कहा इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, अब हम परेशान, यार हम क्या करें, ताजर सनतकार उनके साथ बिगाड़ लें या फिर आईएमएफ की मान लें। वो कह रहे हैं भाई ये शादी नहीं हो सकती जब तक के जहेज के आइटम पूरे ना करें, अब हम आईएमएफ के सारे आइटम पूरे करने में लग गए, चल भाई तू भाग, तू ये लेकर आ, वो जा भाई ये करके आ, अब सारे आइटम आप पूरे भी कर लोगे, कौन सी गारंटी है कि लड़के वाले उस दिन। खैर, एनीवे, ये मामलात अब आईएमएफ के पास जाके अटक गए। जितने कल तक मोहब्बे वतन एब्सोल्युटली नॉट वाले इकोनॉमिस्ट थे, आज वो कह रहे हैं देखो आईएमएफ की बात माननी पड़ेगी, पहले मान लेते
पहले मान लेते। उसमें सबसे बड़ा इशू जो है वो ये है कि रुपए और डॉलर की जो पैरिटी है, जो रेट का तयन करना है, वो आईएमएफ कहता है कि आप खुलेआम मार्केट को दें, और हमारे यहाँ वजारत खजाना में एक जिद पाई जाती है कि जी हम जो है वो खुद से इसका तयन करेंगे। और उस प्रोसेस के दौरान जो पिछले 5 या 6 महीने में पाकिस्तान को, मैं समझता हूँ, बेतहाशा नुकसान हुआ। जहां तक बिजली के रेट का मामला है, मुझे मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि हमारी तरफ से 4-5 रुपए की इंक्रीज की बात हो रही है, आईएमएफ कहीं 10 रुपए पे बैठा है। तो मेरा मेरी क्या असर आई है कि कहीं 7-7.5 रुपए पे सौदा हो जाएगा। इसी तरह गैस के रेट के ऊपर जो है वो आपको जो अहम बात ये है कि हमारे पास पैसे नहीं है बाहर से तेल खरीदने के, अगर उन पैसों का इंतजाम नहीं होता है तो बोरान जो है वो शदीद सूरत अख्तियार कर जाएगा। मुमकिन है इसहाक डार साहब कतर, जो आप कह रहे हैं मुझे नहीं पता वो कतर गए हैं, अगर वो कतर गए हैं तो शायद वो इसीलिए गए हैं कि वहाँ से कुछ जो इमदाद ली जाए, लेकिन सारा दारोमदार अगले भी जो है वो चंद दिनों में इस बात पर होगा कि हमें या तो फाइनेंसिंग हम अरेंज करें, अगर नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो ये माशी बुरान जो है ये इससे बढ़ के बहुत बड़े सियासी और पूरे मुल्क की बुरान में तब्दील हो जाएगा। कि आईएमएफ को हमने ये बड़ा वाजे पैगाम दिया है कि भाई हम आपके साथ 9th review मुकम्मल करना चाहते हैं, हम तैयार हैं, और आपकी जो शरायत हैं उनको आपके साथ बैठकर नेगोशिएट करके उसको हम कंक्लूड करना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े, पाकिस्तान आगे चले। क्योंकि लेट हमें ये वाज़े पैगाम दिया गया कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम पाकिस्तान के आवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आईएमएफ के साथ अपना प्रोग्राम जो है उसको आप स्टिच करें। तो मैं आज इस तकरीब के ज़रिए हम उनको लिख चुके हैं, और आज फिर मैं वाज़े तौर पर आईएमएफ को ये मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मेरी उनकी जो आईएमएफ की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनसे भी मेरी बात 2 हफ्ते पहले हुई थी, और पिछले चंद दिनों में उनको हमने प्रोएक्टिवली उनको अप्रोच किया है कि हम बिला ताखीर 9th review जो है उसको हम मुकम्मल करना चाहते हैं ताकि आपके साथ जो प्रोग्राम जो आगे बढ़े, और दूसरे इसी तरह मल्टीलेटरल और बायलेटरल जो हमारे जो हमारे प्रोग्राम जो हैं वो भी आगे बढ़ें। भी मुकम्मल तौर पर बिजली बहाल नहीं हुई, इस वक्त हम मंगल की सुबह 10 बजे के करीब आपसे मुखातिब हैं, और अंदाज़ा लगाइए कि 7 साल के दौरान बिजली के 3 बड़े तवील 12 से 14 घंटों पे मुहित ब्रेक डाउन हुए हैं 2015 में, 2021 और अब जनवरी 2023 में, बल्कि पिछले साल यानी 2022 जनवरी में भी एक ऐसा ही ब्रेक डाउन हुआ था। इससे पहले आपने देखा कि 2015 में और 2020 और 2022 में पेट्रोल का भी शदीद बहरान आया था। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दरअसल ये ब्रेकडाउन्स या ये जो बहरान आते हैं, शॉर्टेज हो जाती है, दरअसल उस शदीद इंतज़ामी स्ट्रक्चरल बहरान की एक झलक है जिससे इस वक्त रियासत पाकिस्तान दोचार है। डीज़ल पेट्रोल गैस बचाने के खातिर जो हिकमत अमली इख्तियार की मौजूदा हुकूमत ने कि रात भर के लिए कुछ बिजली घर बंद कर दिए जाएं ताकि उससे डीज़ल गैस फर्नेस ऑयल की बचत हो सके, लेकिन आपने देखा कि जब दिन भर बिजली नहीं थी तो मुल्क भर में जनरेटर्स चलते रहे। तो अंदाज़ा लगाइए कि एक दिन में इन 14-15 घंटे के दौरान किस कदर गैस, डीज़ल, कोयला और पेट्रोल खर्च हो गया। अब ये बहरान है क्या? बहरान दरअसल ये है कि हमारी मुख्तलिफ वजारतों के अफसरान नताइज की परवाह किए बग़ैर सियासी और फौजी बॉस की हर ख्वाहिश पे लबैक कह देते। नमस्कार दोस्त जहन। दोस्त पाकिस्तान एक बहुत बड़े क्राइसिस की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान पर
एक के बाद एक कर्जा वापस करना है। अब पाकिस्तान को चाइनीज बैंकों का पैसा वापस करना है। पाकिस्तान के पास पहले ही बहुत ज़्यादा तादाद में रिजर्व नहीं है। अब पाकिस्तान जब कर्जा वापस करेगा तो पाकिस्तान के रिजर्व और ज़्यादा गिर जाएंगे। पाकिस्तान का जिगरी दोस्त कि चाइना भी पाकिस्तान से अब पैसे वापस मांग रहा है, क्योंकि हर कोई मुल्क समझ रहा है कि पाकिस्तान अब डिफॉल्ट होने के करीब जा चुका है। इसीलिए कोई भी पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर रहा, ना कोई पाकिस्तान पर पैसे देने पर भरोसा कर रहा है और ना ही पाकिस्तान पर रोल ओवर करने में भरोसा कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त एक के बाद एक क्राइसिस पैदा होता चला जा रहा है। पाकिस्तानियों के पास पेट्रोल डीजल भी बहुत थोड़ा सा बचा है, क्योंकि पाकिस्तान IMF से प्रोग्राम बहाल कराने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी IMF पाकिस्तान से आनाकानी कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अभी भी IMF की पूरी शर्तों को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। जिस तरह से IMF ने कहा है कि अपने रुपए को डॉलर के सामने फ्री फ्लोट कर दिया जाए, जिससे पाकिस्तान में एक और बहुत ज़्यादा महंगाई का तूफान आएगा। आपके क्या राय है कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।